हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर हिस्ट्री 3333। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडिया मैप के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आपको मैप समझना है किसी भी देश का, चाहे वर्ल्ड का मैप हो, इंडिया का मैप हो, पाकिस्तान का मैप हो, किसी भी देश का मैप हो, तो मैप को आपको समझने के लिए कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैप में आप कैसे जानेंगे कि उत्तर कौन सी दिशा होती है मैप में? जैसे मान लीजिए कि आप चल रहे हैं तो आप जानेंगे कि इधर उत्तर, पूरब, पश्चिम ऐसे है, लेकिन मैप में आप कैसे जानेंगे कि उत्तर दिशा क्या है, पूर्व दिशा क्या है, कैसे आप मैप में? तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम मैप की पूरी हिस्ट्री, मैप आप कैसे पढ़ेंगे, पहले बेसिक से कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। देखिए, मैप जो होता है, मैप में हमेशा जो ऊपर होता है, जैसे ये देखिए, ये ऊपर है, ये हम बना दे रहे हैं ऐसे, ये ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक। मैप में हमेशा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे कहा जाता है उत्तर। मैप में जो ऊपर वाला एरिया होता है वो क्या होता है? उत्तर। और मैप में जो नीचे वाला हो एरिया होता है वो दक्षिण। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऊपर वाला क्या है? ये उत्तर है, ये उत्तर है, और ये जो नीचे है ये क्या? ये दक्षिणी भारत है। उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तर, ऊपर से आप उत्तर याद कर लेंगे। जो ऊपर रहेगा वो क्या रहेगा? उत्तर रहेगा, और जो नीचे रहेगा, यानी कि नीचे रहेगा वो क्या रहेगा? दक्षिण। और आप ऐसे खड़े हैं, देखिए ऐसे खड़े हैं, ठीक। तो बाएं हाथ का एरिया, आपका जो बायां हाथ जा रहा है, ऐसे खड़े हैं अपना, ये हमारे सामने बोर्ड है, हमारे बाएं हाथ का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? वो पश्चिम हो जाएगा। वो बाएं हाथ का एरिया क्या हो जाएगा? पश्चिम। और हमेशा जो दाहिने हाथ का एरिया होता है वो क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि जो ऊपर ऊपर वाला एरिया होता है वो क्या होता है? उत्तर। और जो नीचे वाला एरिया होता है वो हमारा क्या हो जाता है? दक्षिण। और जो हमारा, हम ऐसे खड़े, हमारे बायां हाथ क्या हो जाता है? वो पश्चिम हो जाता है। और हमारा दायां हाथ जो जिस तरफ जाता है वो हमारा क्या हो जाता है? पूर्व, ठीक। तो ये हमारा पूरा भारत छपा हुआ है, ठीक। हमने क्या कहा कि जो ऊपर वाला एरिया, जो ऊपर रहेगा वो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। और जो नीचे रहेगा, नीचे वाला एरिया क्या हो जाएगा? दक्षिण। और हमारा ये बायां हाथ इधर है तो इधर क्या हो जाएगा? इधर, इधर क्या हो जाएगा? इधर पश्चिम हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा, ठीक। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो मैप में आप कुछ भी देखें, कुछ ना पूछ ले कि उत्तर भारत के पांच राज्यों के नाम बताइए, तो जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि उत्तर कौन सी दिशा में पड़ता है तो आप कैसे लगाएंगे? तो हमेशा जो है मैप आपको लगाने के लिए, मैप समझने के लिए, मैप में जो क्वेश्चन पूछा गया वो बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैप की दिशाएं क्या होती है, मैप में दिशा क्या होती है, कौन सी दिशा किस तरफ होती है। तो हमें क्या कहा? ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, जो दाहिना हाथ है वो पूर्व, जो बाएं हाथ है वो पश्चिम। अब देखिए, ये हमारा भारत का पूरा मैप आपके सामने बना हुआ है, ठीक। हमने क्या कहा? जो हमारा दाहिना हाथ होगा, जो हमारा दाहिना हाथ होगा वो क्या, कौन सा था लिखा है? देखिए, दाया हाथ हमारा जहां आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा पूर्वी प्रदेश। देखिए, हमारे भारत के, अब जैसे यही एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? भारत के सबसे पूर्व में, अब पूर्व हमारा, इसका मतलब जो दाहिना हाथ है यही होगा पूर्व। अब देखिए, ये पूरा भारत है, सबसे पूर्व में देखिए, सबसे पूर्व यही हिस्सा होगा क्योंकि पूर्व इधर ही आता है। भारत के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। देखिए, इसे अरुणाचल प्रदेश क्यों कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश क्यों कहा जाता है? आपको पता है कि सूर्य की रोशनी, सुबह जब सूर्य निकलता है किधर से निकलता है? वो पूर्व से ही निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य की रोशनी, अरुण, अरुण माने क्या होता है? सूर्य। भारत में सबसे पहले सूर्य की रोशनी इसी के तो आंचल में पड़ती, जो ये स्टेट है, जो ये प्रदेश है, इसी के आंचल में पड़ती है, इसी के अरुण, अरुण की रोशनी सबसे पहले इसी के आंचल में पड़ती, इसलिए क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्य यानी कि अरुण की किरण इसी के आंचल में, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसी के आंचल में पड़ती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है।